सर्वनाम प्राइम नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। प्राइम नाइन में हम हर दिन भर की बड़ी खबरों की पड़ताल करते हैं। इसके लिए पूरे देश के रिपोर्टर संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले महाराष्ट्र के आसमान में छाए बादलों से दिख रही धुंधली तस्वीर को मयां करेंगे, जहां के राजनीतिक खेल में अब गेंद उद्धव ठाकरे के पाले में चली गई है। अब उद्धव किंग बनेंगे या किंग मेकर, ये अब उद्धव ठाकरे पर निर्भर करता है। वहीं ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में हुए तीनों पार्टियों के संयुक्त बैठकों के बाद बातचीत अभी भी पूरी नहीं मानी जा रही है। अभी कुछ मुद्दों पर सहमति होना बाकी है। उम्मीद ये भी कि शनिवार को महाराष्ट्र में होने वाले मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान हो। वहीं ऐलान तो दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने भी किया। जनता को अब नए सीवर कनेक्शन पर सिर्फ 2000 के लगभग रुपए देने होंगे, हालांकि पहले इसके लिए 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती थी। इससे गरीब जनता के हालात कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं बिहार के हालात की अगर बात करें तो पटना हाई कोर्ट में तो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, और ये खुद पटना हाई कोर्ट का कहना है। क्या है पूरा मामला ये भी बताएंगे प्राइम नाइन में। और भी होंगी बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से करेंगे पड़ताल। तो शुरू करते हैं प्राइम नाइन। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर करीब 1 महीने से चल रही रस्साकशी के बाद भी सस्पेंस जारी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाबैठकों के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि तीनों पार्टियां उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमत हैं। पवार ने कहा कि शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों पार्टियां औपचारिक ऐलान करेंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब बैठक से कांग्रेस और एनसीपी के नेता बाहर निकलने लगे तो माहौल कुछ बदल सा गया। कांग्रेस और एनसीपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर यह साफ नहीं किया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर क्या सहमति बन पाई या नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने मंझे हुए सियासतदान की तरह बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों की संयुक्त बैठक हुई जिसमें उनके वरिष्ठ नेता शामिल हुए। साथ ही कहा कि तीनों पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की, लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। शनिवार को भी बातचीत जारी रहेगी। महाराष्ट्र में सस्पेंस लगातार बरकरार है। तीनों पार्टियों की मैराथन मीटिंग्स के बाद भी आखिरकार पिक्चर अभी भी कुछ धुंधली दिखाई दे रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कह दिया तीनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए तैयार। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत होनी है। बातचीत कल भी चलेगी, उसके बाद सब कुछ साफ होगा। सर मान लीजिए उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तर घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत, पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। कल हमने राष्ट्रवादी काँग्रेस और काँग्रेस की चर्चा हुई थी और सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन गई थी, और आज हम दोनों पार्टियां मिलकर शिवसेना से बातचीत करने मुंबई आए थे। हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई। चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी। तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कल बातचीत हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। मीटिंग इनकंक्लूसिव है, कल फिर मीटिंग होगी। आप लोग भी रहेंगे कल मीटिंग में? रहेंगे कल मीटिंग में? रहेंगे। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, एक साथ सब कुछ बताएंगे।
सीधे चलेंगे मुंबई। समय संवाददाता राहुल अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इस खबर पर बने रहे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। राहुल, समझना चाहेंगे आपसे आगे रणनीति क्या रहेगी इन तीनों पार्टीज की और भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठेगी, ये कहीं ना कहीं साफ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अब जो पार्टीज है जो सरकार बना रही है, तीन पार्टीज हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इन तीनों पार्टियों की जो आज मुंबई के वर्ली इलाके नेहरू साइंस सेंटर में जो मीटिंग हुई थी, इसमें सभी ने कुल मिला के ये मान लिया है कि नई सरकार को जो है वो उद्धव ठाकरे लीड करेंगे। और कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हाँ या ना नहीं कहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सस्पेंस बरकरार रख रही है, कुछ चीजों को कंफर्म नहीं कर रही है। तो कांग्रेस के जो हमारे सूत्र है वो उनकी जानकारी ये है कि जो मतभेद है कांग्रेस की तरफ, तो ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज हैं महाराष्ट्र सरकार में जो कांग्रेस चाहती है कि वो पूरे 5 साल के लिए एनसीपी को न मिले, जो कि अभी बात चल रही है कि एक बार बंटवारा हो गया तो वो 5 सालों के लिए हो गया। तो कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है कि एनसीपी को कुछ सिलेक्टिव पोर्टफोलियोज पूरे 5 साल के लिए न देते हुए उसे रोटेशनल पे दिया जाए, यानी कि अगर मान लीजिए होम मिनिस्ट्री कांग्रेस एनसीपी को मिलती है तो वो 5 साल के लिए न मिले बल्कि 2.5 साल के लिए मिले। तो अब जैसे कि सीएम पोस्ट को लेके रोटेशन की बात की जा रही थी, तो अब कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज को रोटेट करने के लिए कह रही है एनसीपी से और शिवसेना से। इस वजह से कांग्रेस ने, क्योंकि ये बात अभी तक एनसीपी और शिवसेना ने मानी नहीं है, इस वजह से कांग्रेस ने सारी चीजों को कंफर्म करने से मना कर दिया है। हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि कल का दिन भले ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गवर्नर के पास नहीं जाएगी। तो ये जानकारी अभी हमें मिल रही है, यानी कि एक दिन और वक्त लगेगा। कल का जो दिन है वो भी जाएगा और परसों सारी तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। जब तक कांग्रेस को एनसीपी और शिवसेना मना नहीं लेती है तब तक बात नहीं बन पाएगी, ये पूरी तरीके से साफ है। लेकिन जो तस्वीर उभर रही है वो यही है कि इन तीनों की सरकार आएगी, बीजेपी विपक्ष में रहेगी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर वो नहीं बनते हैं तो मान के चलिए सुभाष देसाई, एक बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस शिवसेना के, वो इस स्टेट को लीड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या 2.5 साल का पद जो है एज अ मुख्यमंत्री क्या एनसीपी को मिल जाएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ग है एनसीपी का जो अभी भी डिमांड कर रहा है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को मिलना चाहिए। राहुल, डेप्यूटी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि चर्चा जिन पर होनी थी और जिन पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नोकझोंक भी होगी, खींचातानी भी होगी, उस पर बात बन गई। देखिए, जो अभी कंपटीशन चल रहा है दो पार्टीज है, कांग्रेस और एनसीपी, दोनों ही पार्टीज ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र असेंबली में जो असेंबली प्रेसिडेंट है यानी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो पोस्ट जो है वो एनसीपी बोल रही है एनसीपी को मिले, कांग्रेस चाहती है उसको मिले, क्योंकि विधानसभा की जो मुखिया की जो पोस्ट है वो भी बहुत मायने रखती है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस पोर्टफोलियोज को रोटेट करने की बात कर रही है, तो उसका कारण यह है कि देखिए बहुत ही मुश्किल से अपनी अपनी आइडियोलॉजी को त्याग के इन तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में सरकार अब बना रहे हैं। तो स्वाभाविक से रूप है ये तीनों पार्टियां चाहती है कि 5 साल की एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, उतना ही नहीं 5 साल तक ये सारी पार्टियां अपना अपना इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करे कि जो अगला फिर नई सरकार का जो टर्म आएगा उसमें बीजेपी कहीं बचे नहीं, बीजेपी नेस्ता नाबूद हो जाए और सिर्फ अस्तित्व महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना का रह जाए। तो इस वजह से कांग्रेस ये चाह रही है कि लॉन्ग टर्म और आने वाली जो सरकार का इलेक्शन होगा, यानी कि आज से 5 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इस वजह से एनसीपी के पास कुछ पोर्टफोलियोज 5 साल के लिए नहीं रहने चाहिए, 2.5 साल के लिए वो पोर्टफोलियोज कांग्रेस को भी मिलने चाहिए। यहां पर अब पूरा मामला अटक रहा है, न एनसीपी न कांग्रेस चाहती है कि पहला मुख्यमंत्री उनका हो, लेकिन अभी दोनों में विवाद कुल मिला के विधानसभा अध्यक्ष की पोस्ट के लिए है और पोर्टफोलियोज को रोटेट करने के लिए है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया राहुल इस अहम जानकारी के लिए। नजर रखें दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को अब से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने होंगे। अब नए सीवर कनेक्शन के लिए मात्र 2,310 रुपए ही देने होंगे, जिसके लिए पहले 1,00,000 रुपए से ज्यादा देने पड़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पहले 500 रुपए मीटर के हिसाब से पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब
डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में प्रदूषित पानी को लेकर छिड़ी जंग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पानी पर राजनीति नहीं चाहते हैं। पहले 2300 इलाकों में गंदा पानी आता था, अब सिर्फ 170 जगहों पर ऐसा गंदा पानी आता है, उसे और सुधारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही केजरीवाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल पुराने सिस्टम को 5 सालों में ठीक नहीं किया जा सकता। जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपए मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे, उसको हमने घटा के 100 रुपए मीटर किया। लेकिन हमने अब रियलाइज किया है कि 100 रुपए मीटर के बावजूद भी बहुत ज्यादा चार्जेस बन रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर किसी का 200 मीटर का प्लॉट है तो आज की डेट में उसको 1,14,110 रुपए देने पड़ते हैं पानी और सीवर का कनेक्शन लेने के लिए। तो आज बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लोगों से अब डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अब सरकार इन्वेस्ट करती रही है और करती रहेगी। नई पाइपलाइन लगानी है, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं दिल्ली के अंदर, नए पंपिंग स्टेशंस लगाने हैं, जितना भी है इस पे सरकारें इन्वेस्ट करती रही हैं। और एक अच्छा शहर बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, हम आपसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट करेंगे, उसकी रिकवरी जो है इसके जरिए हम नहीं करेंगे। तो आज से डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पानी और सीवर के लिए बंद किए जाते हैं। और अब अगर किसी को पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसे मात्र 2,310 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो बची हुई कॉलोनियां हैं जहां गंदा पानी आता है वहां पर सरकार लगी हुई है और बदल रही है, फिर भी अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पे किसी को भी गंदे पानी की शिकायत है, आप आके हमें बताइए, हम उसको ठीक कराएंगे, इस पे राजनीति बंद कर देते हैं। दिल्ली से समय संवाददाता मृगांक प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। मृगांक, डेवलपमेंट चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस नहीं देने होंगे, बिजली सस्ती, पानी मुफ्त, सीवर के लिए 2,500 रुपए देने पड़ेंगे, पहले 1,00,000 रुपए देने पड़ते थे, ये सौगात भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, पहले तो बता दूं, चुनाव आने वाला है तो चुनाव में जो रेवड़ियां बटनी हैं वो बटना शुरू हो गई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे जो है दिल्ली की सरकार हो। अभी केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था कि जो है जितनी भी अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली में लगभग 1797 कॉलोनियां हैं और उनको सीधा फायदा पहुंचाया था, उन्हें ऑथराइज कर दिया जाएगा, तो सीधे 40,00,000 लोगों को फायदा हो रहा था। अब देखिए, इसी तरह से अब जो दिल्ली सरकार है उसने आज एक मास्टर स्ट्रोक ये खेल दिया कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें सीवर और पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अगर कोई आदमी ऑथराइज कॉलोनी तो कर लेता है लेकिन उसके बाद उसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सीधे 40,00,000 लोगों को इनको इन्होंने भी फायदा पहुंचा दिया। वो इस तरह से पहुंचा दिया कि अगर सीवर कनेक्शन आपको चाहिए या आप जब ऑथराइज करते हैं उसे तो जो डेवलपमेंट चार्जेस दिए जाएंगे वो स्क्रैप कर दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि नहले पे दहला का जो है खेल हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो दिल्ली की जनता है उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। और आप लगातार देख रहे हैं पिछले 6 महीने से जो केजरीवाल सरकार है वो लगातार जो है चुनावी रेवड़ियां बांट रही है। इससे पहले उन्होंने बिजली के जो बिल थे उसमें काफी जो है कमताई की कि 200 मीटर तक आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें जिसमें केजरीवाल चीजें दे रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं धीरे धीरे, वो एक मूलभूत है। बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, बिना बिजली के आप रह नहीं सकते हैं, पानी है जो आपको पीना ही पीना है वो निश्चित रूप से, ये सारी चीजें जो लगातार वो मुफ्त किए जा रहे हैं और उनको मुझे लगता है उनको शायद इस चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिखाई भी देगा। जहां तक दूसरा सवाल है कि दिल्ली में जो सैंपल पानी के लिए गए थे और जिसपे कह सकते हैं दिल्ली में गंदे पानी के ऊपर जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, उस पर एक संग्राम सा जो छिड़ा हुआ है, अब उसमें एक ट्विटर वार ये हो गई है कि आज सुबह जो है संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो दिल्ली है जो मंत्री हैं रामविलास पासवान, उन्होंने जो है एक साठगांठ शायद आरओ कंपनियों से डील कर ली है जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली का पानी जो है खराब दिखाई दे रहा है। वहीं रामविलास पासवान की तरफ से जो है ट्वीट आया था उसमें साफ तौर पे कहा कि मैं किसी भी ऐसे नेता से बात नहीं करता, अगर केजरीवाल कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं उस बात का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली में पानी के सैंपल पर विवाद को लेकर आरओ कंपनीज को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो संबंधित मंत्रालय में 10 दिनों के भीतर अपनी बात रखे, जिस पर मंत्रालय
न्यायालय विचार करेगा, लेकिन अगर मामला उसके बाद भी नहीं सुलझता है तो आरओ कंपनियां कोर्ट आ सकती हैं। बता दें कि दिल्ली में पानी के सैंपल विवाद को लेकर आरओ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। एनजीटी ने आरओ फिल्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ इन कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। ये याचिका वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने दायर की थी। उनका कहना था कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो की हाल की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया था। ऐसे में आरओ पानी पर प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए जिससे जनता को स्वच्छ पानी मिल सके। राजधानी में दूषित पानी को लेकर बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। आप नेता संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर जबरदस्त निशाना साधा। एक जल मंत्री का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं यूरोपीय मानकों से बेहतर है दिल्ली का पानी। दूसरा बयान है जल बोर्ड का जो कह रही है 9.5 महीने में 1,55,000 पानी का सैंपल लिया गया जिसमें 98% सही पाया गया। तीसरा बयान है रामविलास पासवान जी का जो कह रहे हैं BIS से हमने जांच कराई साहब और दिल्ली का पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। जिन लोगों के यहाँ से जाँच कराई वो कह रहे हैं साहब यहाँ से कोई वाटर सैंपल उठाया ही नहीं गया, और उसी BIS की रिपोर्ट को आधार बना के आरओ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में कह रही हैं साहब हमें आरओ बेचने दिया जाए क्योंकि दिल्ली का पानी गंदा है। तो आरओ कंपनियों के साथ पासवान जी की क्या डील हुई है, क्यों दिल्ली को बदनाम कर रहे हो, ये आपको देश को बताना चाहिए। और अब आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। समय संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, आरओ प्रत्यारोप का दौर, इस बीच पानी की गुणवत्ता क्या कहती है दिल्ली की? बिल्कुल, देखिए हमें लगता है कि पानी जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कि दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पानी गंदा आ रहा है, अब इतने साल से लोग पानी पी रहे हैं और खासकर बाहरी दिल्ली का जो इलाका है, अवैध कॉलोनियों का जो इलाका है, वहाँ का पानी BIS के मानकों पर खड़ा नहीं उतरा। आम आदमी पार्टी रामविलास पासवान पर निशाना साध रही है। एक तरफ वो कह रही है कि आरओ कंपनियों का पक्ष ले रहे हैं, दूसरी तरफ रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने घर में जो आरओ लगाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, वो आरओ अपना हटा ले। तो कह के हमें लगता है भूपेश जी किसमें राजनीति हो रही है, और ये जो राजनीति है ये नुकसानदायक राजनीति है, क्योंकि पानी के मुद्दे पर स्वच्छ पानी को लेकर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, दिल्ली सरकार भी काम कर रही है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जहां पुरानी पाइपलाइन है उनको बदलना चाहिए, लोगों को साफ पानी मिले जिससे वो बीमारियों से बच सके। सोनिया बिहार का इलाका है, बुरारी का इलाका है, नरेला का इलाका है, नजफगढ़ का इलाका है, पालम बिहार का इलाका है, मतलब कई ऐसे कॉलोनी है जहां पर पानी का मानक काफी खतरनाक है। तो जो लोग पानी पी रहे हैं, कई इस तरह की शिकायतें आती हैं कि उनको जो है दिक्कत आती है, उनको अस्पताल में जाना पड़ता है, उनके जो शरीर पर कई तरह के दाग निकलते हैं। तो कहकर हमें लगता है एक तो पीने का पानी वो उनको साफ मिलना चाहिए, और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य को भूपेश जी मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि देखिये आरओ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर भी मंत्रालय को फैसला करना चाहिए कि क्या सबके घर में आरओ लगना संभव है, और आरओ लगने के बाद कई तरह की दिक्कतें भी आती है, जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपके पास जल स्रोत कम है। तो हमें लगता है कि दिल्ली सरकार और रामविलास पासवान की जो मंत्रालय है उन लोगों को मिलकर काम करना चाहिए जिससे दिल्ली के लोगों को बेहतर पानी मिले। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात का आज ऐलान किया है कि कहीं भी गंदा पानी आता है तो उसकी सूचना दे, हम पाइप बदल देंगे। बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। वाराणसी की बात करेंगे जहां के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर लगभग 13 दिनों से चल रहा धरना आज खत्म हो गया। संस्कृत विद्या धर्म विभाग के डीन के साथ बैठक के बाद छात्रों ने यह फैसला लिया। धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र चक्रपाणी ओझा ने बताया कि कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मामले में सुधारात्मक कदम उठाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल धरना वापस ले लिया गया है लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा, छात्र कक्षाओं और परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए 15 दिनों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों की विरोध प्रदर्शन जारी था। कुलपति के साथ छात्रों की बैठकों के बावजूद गतिरोध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है। छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर लिया लेकिन ये कहा कि यहां से जा तो रहे हैं लेकिन परीक्षा और कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता। वाराणसी के BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर लगभग 13 दिनों से चल रहा धरना आज शाम खत्म हो गया।
धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र चक्रपाणी ओझा ने बताया कि कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मामले में सुधारात्मक कदम उठाने की संभावना है। साथ ही कहा कि फिलहाल धरना वापस ले लिया गया है, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। छात्र कक्षाओं और परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। समय संवाददाता आलोक गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। आलोक जी, क्या छात्रों ने मान ली है बात? उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके का आश्वासन दिया है उससे संतुष्ट? हाँ, निश्चित तौर पर। देखिए, पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, और उससे उसको राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन कुलपति महोदय ने जिस तरीके से छात्रों से वार्ता की है, छात्रों को समझाया है, और उसके बाद से धरना समाप्त हो गया है। लेकिन छात्रों का कहीं ना कहीं विरोध अभी भी कह सकते हैं कि उनका जो विरोध है अभी भी जारी। क्या डिमांड्स अभी भी उनकी? और परीक्षाओं की बात करें या आगे एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर नहीं शामिल होंगे? बिल्कुल, परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। उनकी डिमांड है कि जिस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर को रखा गया है और रोजगार को लेकर विरोध है उनका, कि उनको वहां से हटाया जाए। संस्कृति विभाग का मामला है और तो अपने तरीके से छात्र इसको एक रंग अलग कलम देने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार ये धरना चल रहा था और धीमे धीमे ये रूप भी लेता जा रहा था। लेकिन आज कुलपति ने छात्रों को समझाया बुझाया तो धरना तो वापिस उन्होंने कर लिया है, लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होने की बात पर वो अभी भी अडिग है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कुलपति द्वारा उन छात्रों से वार्ता करते हैं या फिर छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर कुलपति बनारस यूनिवर्सिटी के उनके ऊपर ही सारा मामला है कि वो किस तरीके से इस मामले को हैंडल कर पाते, छात्रों की नाराजगी को किस तरीके से दूर करते, और जो उनकी मांग है वो कितनी जायज है कितनी नाजायज है, इस पर वो छात्रों को किस तरीके से समझा पाने में सफल हो पाते हैं। फिलहाल धरना समाप्त हो गया है, लेकिन छात्र अभी भी परीक्षा में बैठने के लिए आलोक जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार में शराबबंदी के 2 लाख मुकदमों से अदालत में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब वो शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। वहीं बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि इसी साल सितंबर महीने में शराबबंदी से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए 74 स्पेशल कोर्ट्स बनाने का निर्णय लिया गया है। पटना हाई कोर्ट से सहमति लेने के लिए ये प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सहमति अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 24 घंटे के अंदर बताएं कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे ही शराबबंदी को छोड़ निचली अदालतों में दूसरे प्रकार के मुकदमे पेंडिंग है, अदालत पर बोझ बहुत ज्यादा है, इससे निपटने के लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि अब कोर्ट को तय करना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समय संवाददाता पटना से अंशु नथानी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, सरकार और कोर्ट के बाद ये बात अब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी आ गई है, क्या निचोड़ निकल रहा है? देखिए, जब से राज्य में शराबबंदी लागू हुई है तभी से इसको लेकर 2 तरह की बातें हो रही है। क्या ये उसी तरीके से सफल है? राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद कई चीज़ों पर जरूर काबू लगा है, कई परिवारों को राहत मिली है, और जिस तरह से सरकार दावे करती है अपराध पर भी शायद थोड़ी लगाम लगी हो, लेकिन ये भी जरूर कहा जा सकता है कि शराबबंदी अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं है। और ये न्यायालय के जरिए भी बताया गया है कि 2 लाख से ज़्यादा शराब से जुड़े मामले पेंडिंग है, जिसमें शराब आए दिन पकड़ी जाती है, शराब की तस्करी भी होती है, अवैध रूप से लोगों को शराब भी मिलती है, शराब पीते हुए भी लोग पाए जाते हैं, पीकर लोगों को पकड़ा भी जाता है, यानी कि लोगों को कानून का डर नहीं है और वो इसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं। तो सरकार ने अगर कोई चीज़ लोगों की बेहतरी के लिए की है, उसे इम्पोज किया है, लेकिन अगर उसका पालन नहीं हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो ये सरकार की कमजोरी है। ये कोर्ट बताना चाहती है कि आप अगर शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं, लोग आसानी से कानून तोड़ रहे हैं, उसके बाद अदालतों में केस आ रहे हैं और केस पेंडिंग है, क्या हम केवल शराबबंदी और शराब से जुड़े ही मामलों के निपटारा करने के लिए बैठे हैं? आप समझ सकते हैं कि और भी बहुत सारे मामले होते हैं और इसके लिए इतनी स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही गई है, तो वो भी एक तरीके का खर्चा बढ़ेगा। और इससे मैसेज क्या जाता है कि सरकार इसको पूरी तरह से काबू करने में अक्षम है। तो इसीलिए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर
जो ये आपने शराबबंदी लागू की है वो कितनी सफल है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसका उल्लंघन बढ़ता ही जा रहा है तो समाज में आपने जो मैसेज देने की कोशिश सरकार ने ये बॉल सरकार के कोर्ट में डाल दी और सरकार ने दोबारा से ये बॉल कोर्ट के कोर्ट में डाल दी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अंशु। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की बात करेंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दोनों टीम्स पहली बार पिंक बॉल से डे नाइट मुकाबला खेल रही हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 59, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाकर नॉट आउट। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 68 रनों की लीड भी हासिल कर ली है। मुकाबले में बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर चुकी थी। मेहमान टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, 106 रन पर ही पूरी टीम ढेर हो गई। बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ईशांत शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटका दिए। उमेश को 3 और शमी को 2 सफलताएं। और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनवर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सनवर, समझना चाहेंगे पारी और कुछ रनों की जीत की दरकार और क्लीन स्वीप इंडिया इस मैच में भी कर पाएगा? देखिए, भारतीय टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है और इससे पहले जो गेंदबाजी की है उससे तो ये लगता है कि बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने वाली है भारतीय टीम, क्योंकि 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से पहले ही आ गया है और आज के मुकाबले में वो उन्होंने मतलब गेंदबाजों की जो धार है वो एक बार फिर से दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह शुरुआत हुई थी बांग्लादेश की टीम ने पहले टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उन्होंने किया था, लेकिन बल्लेबाजी क्रम जो उनका इस तरह से लड़खड़ाया है, सबसे ज्यादा सादमान इस्लाम ने केवल 29 रन बनाए, उसके बाद में 4 बल्लेबाज ऐसे थे जो पवेलियन के राज जीरो पर अपने पवेलियन लौट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो बल्लेबाजी भारतीय टीम का जो टॉप ऑर्डर था वो थोड़ा सा बिखरता नजर आया, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक बार फिर से 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, उसके अलावा रोहित शर्मा जो थे वो केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि पुजारा ने पारी को संभालने की जरूर कोशिश की थी और उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय कप्तान जो विराट कोहली है वो अभी क्रीज पर मौजूद है और 59 रन बनाकर नाबाद पारी खेले हैं। इसके अलावा उनके साथ में उप कप्तान रहाणे भी हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सर्वर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल प्राइम लाइन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत सर्वर।